नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशा। कहते हैं एक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर होती है। तस्वीरों के जरिए कम्युनिकेशन बेहद ही पावरफुल होता है। कुछ तस्वीरें आपको हैरान कर देती हैं, कुछ तस्वीरों को देखकर आप भावुक हो जाते हैं, तो कुछ ऐसी भी तस्वीरें होती हैं जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला देती हैं। तो दिन भर की ऐसी ही तस्वीरों को समेट कर हम आपके लिए लाए हैं। सैलाब की ये तस्वीरें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की हैं। बलाती इलाके में बादल फटने के बाद सैलाब सड़कों पर आ गया। पानी के बहाव को देखकर इलाके के लोग दहशत में हैं। इलाके के सभी नाले उफान पर हैं। भारी मात्रा में पानी के साथ मलबा बहकर आ रहा है। कई घरों को भी इसमें नुकसान पहुंचा है। ये देखिए, सड़क धंसने का ये हैरान कर देने वाला वीडियो चीन के सिचुआन प्रांत से आया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे कि ये समतल सी दिख रही सड़क अचानक से धस जाती है। सिचुआन में इन दिनों भारी बारिश हो रही है और इसकी वजह से रविवार को यहाँ एक सड़क का करीब 50 मीटर हिस्सा धस गया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। क्या आपने बादलों का समुद्र देखा है? अगर नहीं तो ये वीडियो जरूर देखिए। पहाड़ों के बीच बादलों के समुद्र का ये नायाब नजारा जो है चीन के हुनान प्रांत का है। बारिश के बाद समुद्र तल के करीब 1500 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ों के बीच बादलों की ये खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली। इस खूबसूरत तस्वीर को कई पर्यटकों ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। बाढ़ के पानी के बीच रेस्क्यू की ये तस्वीरें होशंगाबाद की है। यहाँ एक युवक बाढ़ के पानी के बीच सेल्फी ले रहा था और तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया। वो उफनते हुए पानी में गिर गया, लेकिन लड़के की किस्मत अच्छी थी कि आसपास आपदा प्रबंधन से जुड़े लोग मौजूद थे। उन्होंने जैसे तैसे इस लड़के की जान बचाई। अब ये देखिए, एक मारपीट का वीडियो है, यूपी के शामली से आया है। छेड़खानी के आरोपी के साथ मारपीट हो रही है। बताया जा रहा है कि ये मंचलाल लड़की का पीछा कर रहा था। इस बात की जानकारी लड़की ने अपने घर वालों को दे दी और इसके बाद लड़की के घर वालों ने लात, घूसो, चप्पल और बेल्ट से इसकी पिटाई कर दी। आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत नहीं की गई है। माफी मांगने पर उसे छोड़ दिया गया। ये एक मारपीट का वीडियो है जो कि महाराजगंज से सामने आया है। नौतनवा का ये पूरा वीडियो है। मामूली से विवाद पर दो गुट आपस में भिड़ गए। पुरुष तो पुरुष, महिलाएं भी लाठी डंडे लेकर मारपीट करने लगी। काफी देर तक दोनों गुटों के बीच मारपीट होती रही और पास खड़े कुछ लोग उनको छुड़ाने के बजाय वीडियो बनाते रहे। थोड़ी देर बाद कुछ लोगों ने बीच बचाव कर दोनों गुटों को शांत कराया। पुलिस इसकी जांच कर रही है। गाड़ी में आग लगने की ये तस्वीर एमपी के रतलाम की है। बीच सड़क पर लगी डायल 100 की गाड़ी में आग और इस गाड़ी में बैठे पुलिसकर्मी को वक्त रहते उतर कर अपनी जान बचानी पड़ी। आग से किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। बैटरी और वायरिंग में शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है, ऐसी आशंका है। ये एक शादी समारोह की तस्वीर है, मध्य प्रदेश के दमोह से आई है। लोग शादी में व्यस्त थे, तभी पर्स लेकर एक युवक वहां से चल पड़ा। चोर इस बात से अनजान था कि उसकी करतूत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रही है। शादी के बाद घर वालों ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस इन्हीं तस्वीरों के सहारे आरोपी की तलाश कर रही है। अब ये तस्वीर यूपी के पीलीभीत के स्वास्थ्य केंद्र की है। यहाँ काम करने वाले कर्मचारी पर मेडिकल जांच के नाम पर लोगों से रिश्वत लेने का आरोप है। पीड़ित ने आरोपी को 500 रुपए घूस लेने का वीडियो बना लिया। रेप की कोशिश और मारपीट के मामले में पुलिस महिला का मेडिकल कराने आई थी। कर्मचारी ने उसी दौरान उनसे रिश्वत मांगी। नदी की तेज धार के बीच तैरते बाघ की ये तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल के सुंदरबन की। वीडियो में देखिए, एक बाघ नदी में तैर रहा है, तभी नाव में बैठे कुछ लोग चिल्लाने लगते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। एक शख्स डंडे से बाघ को डराने की कोशिश भी करता है। परेशान बाघ घुर्राने लगा, जिससे डरकर नाव सवार लोग वापस चले। राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग की सेल्फी से अटेंडेंस की शुरुआत हुई है। हर अधिकारी कर्मचारी दफ्तर पहुंचते ही सेल्फी लेते हैं। सेल्फी का फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना जरूरी है। अभी आगरा की तस्वीर देखिए, पतंजलि के गोदाम में यहां आग लग गई। बड़ी मुश्किल से इस पर काबू पाया। आग की वजह से करोड़ों का सामान जल गया। आसपास के इलाके में काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। आग को बुझाने के लिए कई घंटे लग गए। गोदाम में दरअसल घी और वनस्पति रखा हुआ था और आग की वजह क्या है ये अभी साफ नहीं है।
अब ये तस्वीरें हैं एक अजगर के रेस्क्यू की और ये असम के तेजपुर से आई हैं। सांप सर्किट हाउस के एक लकड़ी के बक्से में घुस गया था। बक्से को बड़ी ही सावधानी के साथ सर्किट हाउस से बाहर लाया गया। फिर शुरू हुई अजगर को बाहर निकालने की कोशिश। काफी कोशिश के बाद अजगर को बक्से से निकाला गया और फिर उसे जंगल में छोड़ दिया गया। ये तस्वीरें हैं विरोध प्रदर्शन की और ये आई हैं चेन्नई से। लेफ्ट पार्टियों ने ट्रेन रोककर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि SC ST रिजर्वेशन को सरकार ने ढंग से लागू नहीं किया और इसी की वजह से परेशानी हो रही है। तो बारिश से बेहाली की तस्वीरें आपने देखी, अब सूखे की बात करते हैं। खेत जोतने की ये तस्वीर यूपी के झांसी की है। किसान की दो बेटियां हल चला रही हैं, इंद्र देवता से बारिश के लिए प्रार्थना कर रही हैं। इस इलाके में पिछले 4 साल से बारिश नहीं हुई। किसान की बेटियों को भरोसा है कि इनकी मेहनत से इंद्र देवता को दया आ जाएगी और वो बारिश करवा देंगे। हादसे की तस्वीरें हैं, एक स्कूल बस दरअसल हादसे का शिकार हो गई। यूपी के मुजफ्फरनगर की तस्वीर है। बस पलटने की वजह से 6 बच्चे घायल हुए हैं, इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के दौरान बस में सवार बच्चे डरे हुए थे। स्कूल बस के पीछे नालंदा पब्लिक स्कूल लिखा हुआ था। बस के पलटने की वजह यह है कि ये बस ओवरटेक कर रही थी दूसरी बस को और बैलेंस खोने के बाद गिर गई। अब ये तस्वीरें हैं छापेमारी की, बिहार के बक्सर की तस्वीरें हैं। शराबबंदी के बाद यहाँ शराब तैयार की जा रही थी। पुलिस ने हजारों लीटर शराब बरामद की है और उसे नष्ट कर दिया। शराब बनाने की भट्टियां और सामान को भी जब्त किया है। छापेमारी के दौरान आरोपी मौके से फरार हो गए। छपरा के रसूलपुर में हुई शादी की तस्वीरें आप जरूर देखिए। दूल्हा और दुल्हन को हेलमेट दिया जा रहा है। दुल्हन का शादी में हेलमेट बांटने का ये मकसद है, सड़क सुरक्षा का संदेश देना। दरअसल दुल्हन की मामी की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी और उसकी वजह से उन्होंने लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ये फैसला लिया, अपनी शादी में ये हेलमेट बांटा है। हरियाणा के सिरसा में नशे के खिलाफ गाँव वालों ने काबिले तारीफ फैसला लिया है। गांव में नशे की चीजें बेचने वालों का गांव वाले बहिष्कार करेंगे। इसकी शुरुआत सिरसा के गांव शेरपुरा से हुई। गांव वालों ने नशा करने और बेचने वालों को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। इसके बाद गांव वाले पुलिस से शिकायत करेंगे। गांव वालों के इस फैसले को पुलिस भी सराह रही है।